जितने भी गाने वाले आते हैं वो हर गीत में कहते हैं उठा लीजिए हाथ, बजा दीजिए ताली। ऐसा कुछ नहीं होता, ताली बजाने से कुछ नहीं होता। ताली कलाकार जब गाए अपने आप बजनी चाहिए, तब मजा। कह के बजवाई तो क्या, और मस्ताना जी ने क्या कहा कि तुझे मांग ना ना आए तो माँ क्या करे। और मैं कहती हूँ मेहरा दाती तो हो मेहरा माँ जी साथ बांटती है हर वेले। मेरा मां जी साथ वंड दिए हर वेले। ओ तैनू मंगना ना आवे तो मैं की करा, तैनू मंगना ना आवे तो मैं की करा, तैनू मंगना ना आवे तो मैं की करा, तैनू मंगना ना आवे तो मैं की करा। मेरी मां जी तो बटे आने तो बटे आवे तो मैं क्या करूं। और वो तो हर वेले हर टाइम हमारे लिए खड़ी है, लेकिन हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए। हमारे बीच में आकृति भी आई है, और आकृति जी आप जैसे कलाकार ऐसे छुप के बैठेंगे तो मेरे जैसे तो बेचारे आएंगे ही नहीं, प्रोग्राम में नहीं आएंगे। और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जब तक हमारा नाम अनाउंस नहीं हो तब तक हम मंच पे नहीं जाए। भगवान के चरणों में आके बैठना चाहिए ताकि नजर रहे कि कौन आया और कौन गया। तो आइए श्री कृष्ण कन्हैया के चरणों में एक छोटी सी वंदना जो मन से मन को जोड़ने वाली है, तन से नहीं। तन से हमने नाच के खूब रिझाया है उसको, अब मन से जुड़े कन्हैया के चरणों में चलते। छोटी सी वंदना के साथ फिर मेरी आकृति एक भजन की हाजिरी लगाएगी। इसको सजा है आज दो भजन नहीं गाएगी ये, क्यों? क्योंकि ये लेट आई है। और हमारे कमलेश जी के विनोद जी के फादर साहब बीमार हैं, और अनिल भैया का हाथ टूटा हुआ है, वो उनकी सेवा में अकेले ही हैं। तो हमें एक भजन की हाजिरी इनकी लगवानी है। मैं छोटा सा भजन गाऊंगी, उसके बाद में आकृति मैडम लगाएगी हाजिरी, और माँ बटियानी की उसके बाद आरती होगी। प्रसाद के बिना कोई भी नहीं चाहे। मुझी से पर्दा हटाना जरूर होगा। आ गई हूँ तेरे दर पे कन्हैया, चरणों मौन मान का कारण क्या, मन भाई नहीं पूजा क्या,
मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे घर आती हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हूँ मेरे दिल में रहने वाले, मुझसे क्यों
बोलिए कृष्ण।